जबलपुर में आपराधिक घटनाएं सरेआम हो रही है। दरअसल कल की बात करें तो कल पौश इलाके एमबीए भवन है, वहां उसके पीछे बलात्कार की घटना होती है। कन्हैया यादव पर एक महिला ने आरोप लगाया है दुष्कर्म का। एमबीए भवन है तिलका मांझी विश्वविद्यालय का, उसके पीछे महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है और कन्हैया यादव ने अपने दोस्त को उसके घर पर भेजा, ये कहलवाया कि उसके पति को बंधक बना लिया गया है और एमबीए भवन के पीछे झाड़ी में लेके गया हुआ है, वहाँ पर बंधक है। जिसके बाद महिला झाड़ी के पीछे जाती है, बंदूक की नोक पर कन्हैया यादव पर रेप करने का आरोप लगाया गया है। बाकायदा महिला ने विश्वविद्यालय थाना में आवेदन भी दिया है और कन्हैया यादव समेत उसके दोस्त जो है सावन उस पर भी आरोप लगाया। हमरो घर गेले हम सावन सावन ने कहती तोरे दुलाक मारी तो नहीं तो जा जल्दी बचाबो बा हमरो कनियोन गेले ओकरे रेप करना स्टार्ट कर दिया। के कर लगे रेप कना जा पिता नाम के पिता के नाम कना के पिता के नाम चंदर दादा कहाँ से पत्र पत्नी कहाँ पत्नी नहीं पत्नी के साथ रेप होला आप जब गए तो क्या क्या देखे? हम फिर बाद में गए तो क्या देखे आप? देखे कि कपड़ा लत्ता सब वहीं पे फेंका था, नंगी है घर आया था दूसरे का घर में वो कपड़ा दिया। कितने लोगों पे आरोप है? पत्नी ने कितने लोगों पे आरोप लगाया है? दो आदमी थे कौन कौन? एगो कन्हैया यादव एगो सावन। आज महिला का मेडिकल टेस्ट हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से कहा जाता है कि जिस जिले में जितने आईपीएस अधिकारी होते हैं, जितने पुलिस अधिकारी होते हैं, वहां आपराधिक घटनाएं ना के बराबर होती है, लेकिन इस जिले में विपरीत है। भागलपुर जिले की बात करें तो यहां पर रेंज के डीआईजी का कार्यालय है, ये कार्यालय आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये एसएसपी का कार्यालय है। यहाँ पर आईपीएस चार सीटीएसपी हैं, सीटीएएसपी हैं, एसएसपी हैं, डीआईजी हैं, उसके बावजूद आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं, लगातार हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, और ये शहर के किसी बगल हट के नहीं, किसी दूसरे जगह पर नहीं, पौश इलाके में हो रही है, बावजूद अपराधी फरार रहते हैं। एसएसपी से हम लोग बात करने पहुंचते हैं, मीडिया जब बात करने के लिए पहुंचती है तो उनका एक ही कहना होता है थैंक यू, हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, ना तो वो बोलेंगे और ना तो वो अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आगे आएंगे। और यही हाल भागलपुर जिले के सभी क्षेत्र का है। बहरहाल इस मामले में, इस बलात्कार के मामले में आरोपी कन्हैया यादव पर क्या कार्रवाई होती है यह देखना दिलचस्प होगा। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर।